आज 1 साल की ओनरशिप और 14,000 किलोमीटर्स की राइड करने के बाद मेरे ख्याल से यही वो सही समय है जब मुझे आप सबको बताना चाहिए, स्पेशली उन व्यूअर्स को जो आज 2019 में डोमिनार लेने का प्लान कर रहे हैं, कि आखिर मेरा एक्सपीरियंस इस बाइक के साथ कैसा रहा है और एक ओवरऑल ऑनरशिप एक्सपीरियंस क्या है इस बाइक का। इस 14,000 किलोमीटर्स में मेरी बाइक ने सब कुछ एक्सपीरियंस किया है, रोड्स, नो रोड्स, घाट्स, माउंटेन्स, बारिश, हाईवे, सब कुछ। और आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस इन सब कंडीशन में कैसा रहा है और अभी तक गाड़ी ने कैसा परफॉर्म किया है। 1 साल के इस सफ़र में डोमिनार ने मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं दी जिसकी वजह से मैं बजाज की बिल्ड क्वालिटी पे कोई भी डाउट करूँ। पेंट क्वालिटी, पार्ट्स क्वालिटी बहुत ही अच्छे और बहुत ही अप टू द मार्क क्वालिटी के। मेरा इस गाड़ी के साथ कोई भी बुरा एक्सपीरियंस नहीं रहा है या मेरी किसी भी राइड पे ये ब्रेकडाउन नहीं हुई है इस 1 साल में। गाइस, इस बाइक की जो सबसे खास बात है वो है इसका इंजन। इसमें बहुत ज़्यादा टॉर्क है जिसकी आपको हाईवे पे कोई कमी महसूस नहीं होती। लॉन्ग जर्नीज पे आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देता है ये एक्सपीरियंस इतना अच्छा है कि हाईवे पे क्रूज करते वक्त इंजन से आने वाले जो वाइब्रेशन हैं उनको तक आप नज़रअंदाज कर सकते हो, क्योंकि जिस तरीके से ये बाइक हाईवे पे परफॉर्म करती है इससे साफ पता चलता है बजाज ने ये बाइक सिर्फ हाईवे टूरिंग के लिए बनाई है। डोमिनार एक हाईवे टूरर है और ये बात सच है कि आप हर सिचुएशन में बेटर नहीं हो सकते, इसीलिए डोमिनार भी सिटी में राइड करने में उतना मज़ा नहीं देती जितना वो हाईवे में देती है। हाईवे और ओपन रोड्स डोमिनार के लिए ही बने हैं। इससे मेरा मतलब ये नहीं है कि आप इसे सिटी में राइड नहीं कर सकते, बस इसका वेट और इंजन की ग्रम्पीनेस की वजह से इसको सिटी में राइड करने में थोड़ी सी मुश्किल आपको आएगी। बाइक में कोई भी हीटिंग इशू देखने को नहीं मिला है स्पेशली अभी तक। मेरे बहुत से ऐसे राइडर्स हैं जो 390 और KTMs चलाते हैं, जब मैं उनके साथ राइड करता हूँ उनका फ़ैन जिस तरीके से आवाज़ करता है और जिस तरीके से गाड़ी हीटअप होती है, ऐसा मुझे कोई भी इशू आज तक डोमिनार में देखने को नहीं मिला है। इसका हीट मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है। ये बाइक दिखने में बहुत ही स्पेशल है और सबसे खूबसूरत चीज़ इस बाइक में है इसकी हेडलाइट। यही वो खूबसूरती है जो लोगों को आकर्षित करती है। जब आप किसी भी ऐसी क्राउडी जगह पर हो तो यही एक ऐसी चीज़ है इस बाइक में जो सबसे ज़्यादा अटेंशन ग्रैब करती है। ऑल ओवर जो डिज़ाइन है वो बहुत ही बीफी और मस्कुलर है जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। अटेंशन के साथ साथ गाइस, जो इसकी हेडलाइट है वो एक इसका प्रो भी है, क्योंकि यही हेडलाइट हाईवे पे बहुत और नाइट में बहुत अच्छा परफॉर्म करती है जब आप कहीं टूर कर रहे हो। ये इतनी शानदार है कि आपको इसके अलावा कोई भी ऑक्सिलरी लाइट लगाने की बेसिक नीड नहीं रहेगी, अनलेस अंटिल आप बहुत ही ऐसे एरिया में जा रहे हो जहाँ पे रोड्स की कंडीशंस बहुत ख़राब है। गाइस, डोमिनार ब्रेकिंग डिपार्टमेंट में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। ABS का ऑप्शन इसमें अवेलेबल है जो कि बहुत हेल्पफुल होता है जब आप पैनिक ब्रेकिंग सिचुएशन में रहते हो। इसके टायर्स इसकी ब्रेकिंग एक्सपीरियंस को अच्छा बनाते हैं, मैं बहुत अच्छा तो नहीं बोलूँगा बट वो अच्छा बनाते हैं, MRF के हैं और डिसेंट ग्रिप आपको मिल जाती है इनसे। ये इजीली 20,000 किलोमीटर तक लास्ट भी करते हैं, क्योंकि अगर टायर्स आप सॉफ्ट कंपाउंड और हैवी क्वालिटी लोगे तो वहाँ पे आपको रनिंग कॉस्ट में दिक्कत आएगी, वो गाड़ी ज़्यादा टाइम वो टायर चलते नहीं हैं। ये टायर्स इजीली 20,000 किलोमीटर तक चलते हैं, डिपेंड करता है आपकी राइडिंग स्टाइल पे। इसके सस्पेंशन हर रोड कंडीशन को टैकल करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। ऑफ रोड भी अगर आप कभी कभी इस बाइक से करते हैं तो आपको कोई खासी दिक्कत इसमें नहीं आएगी। इसकी सीटिंग भी बहुत कंफर्टेबल है, सीट थोड़ी सी हार्ड है लेकिन लॉन्ग टूर्स पे जब आप निकलते हो तो यही सीटिंग आपको काफ़ी देर तक राइड करने में बहुत हेल्प करती है। अब आते हैं इसकी कॉस्ट ऑफ ओनरशिप पे। इस बाइक ने मुझे फ्यूल एफिशिएंसी में कभी निराश नहीं किया। 400cc का इंजन और इतना टॉर्क होने के बावजूद ये बाइक मुझे 28-30 का एवरेज देती है और हाईवे पे ही 32 और उससे क्रॉस भी जाता है। आपके राइडिंग स्टाइल पे ये चीज़ सूट करती है। सर्विस में ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं आता, 3 free services मुझे इसके मिली थी। उसके बाद अगर आपको कोई भी सर्विस करानी है तो 1000-1500 तक का इसका खर्चा आता है, इंक्लूजन ऑफ ऑयल चेंज। इसका जो सर्विस इंटरवल है बजाज की तरफ से वो 5000 किलोमीटर्स का है, जो कि एक स्पोर्ट्स टूरर के लिए बहुत है। अगर आप कहीं अच्छी लॉन्ग राइड पे भी जा रहे हो तो आपको सर्विस का कोई इशू नहीं आना है इसमें। बजाज का सेल्स और सर्विस नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है जिसकी वजह से आपको पार्ट्स और आफ्टर सेल्स सर्विस में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन उठाते हैं गाइस जो मेरे दिमाग में थे जब मैं इस बाइक को लेने की सोच रहा था। मेरा सबसे पहला सवाल था जब मैं इस गाड़ी को लेने का सोच रहा था, ये क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आते थे।
मैंने बहुत सुना था कि इसमें वाइब्रेशंस हैं वाइब्रेशंस हैं, तो मेरा क्वेश्चन था वाइब्रेशंस तो नहीं आते? वाइब्रेशंस हैं, आपको फील नहीं होने देता क्योंकि बजाज ने इसमें जो टॉर्क दिया है उसको इतना ब्यूटीफुली उन्होंने पूरे रैप बैंड में स्प्रेड किया है, जिसकी वजह से जब आप चलाओगे इसको तो आपको वाइब्रेशन से ज़्यादा पावर फील होगा। वाइब्रेशंस हैं बट बहुत ही वेल कंटेंड है। क्या बाइक की परफॉर्मेंस डाउन होती है ओवर द टाइम? बिल्कुल नहीं। मुझे लगा था कि कुछ 10-20 हज़ार किलोमीटर या 10-15 हज़ार किलोमीटर के बाद मेरी बाइक का पावर थोड़ा सा कम हो जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं है गाइस। बाइक अभी भी सेम परफॉर्मेंस में है जैसा जब वो शोरूम से निकली थी और फर्स्ट डे में थी। एक्चुअली 10,000 किलोमीटर्स के बाद जब मैं मेरी मुंबई राइड से लौटा था तब मुझे इंजन का साउंड थोड़ा सा ओपन लगा, मतलब वो ऐसा लग रहा था कि इंजन का साउंड बढ़ गया है। बट आप सरप्राइजिंगली आप यह मानोगे कि बाइक का मेरे को परफॉर्मेंस और एवरेज एट अ टाइम दोनों चीज़ें बढ़कर मिली जब वो सर्विस से वो होकर आई थी, और एज अ मैकेनिक ने कहा था कि इसका इंजन अब ओपन हो गया है तो जिसकी वजह से साउंड भी आपको अच्छा मिलेगा और परफॉर्मेंस भी अच्छी मिलेगी। क्या बाइक में ओवर टाइम रस्टिंग या कोई मेजर प्रॉब्लम आएगा क्योंकि ये बजाज की गाड़ी है सब ऐसा बोलते थे? मेरा जवाब है नहीं, ऐसा कोई इशू मुझे अभी तक देखने को नहीं मिला है। बाइक के पेंट क्वालिटी को लेकर, स्टिकरिंग क्वालिटी को लेकर, जो पार्ट्स इसमें लगे हुए हैं, कहीं कोई रस्टिंग, कहीं कोई ब्रेकडाउन आज तक मुझे देखने को नहीं मिला है। साल भर गाड़ी को हो चुका है, गाड़ी ने हर टेरेन पे अच्छा परफॉर्म करा है। एक चीज़ से मैं बहुत परेशान होता हूँ बार बार, जो हर डोमिनार ओनर यहाँ पर एग्री करेगा, इसका चेन स्पॉकेट। हर 500 से 700 किलोमीटर पर गाइस आपको इसे चेन लूप करना पड़ता है, अदरवाइज़ इसकी चेन बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है और वो आपको सिटी में चलाते वक्त बहुत ज़्यादा फील होता है। अगला मेरा क्वेश्चन था खुद से कि बाइक बहुत ओवरवेटेड है तो क्या इससे परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ेगा? मेरा जवाब है हाँ भी और ना भी। अगर आप 373 cc इंजन का KTM ड्यूक चला के देखोगे, उसके बाद आप जब डोमिनार पे आओगे तो डेफिनेटली आपको वेट फील होगा क्योंकि ड्यूक बहुत लाइट वेट है और उसका पावर भी थोड़ा सा ज़्यादा है। अब उस डिफरेंस को 2019 डोमिनार में काफ़ी कम कर दिया गया है, लेकिन फिर भी वेट वाइज डोमिनार काफ़ी हैवी है, वेट आपको फील होगा। वेट आपको फील वहाँ भी होगा, गाड़ी का टर्निंग रेडियस ज़्यादा है, इस वजह से आपको सिटी में भी इसको राइड करने में प्रॉब्लम आएगी वेट की वजह से। लेकिन ये चीज़ है, इसके साथ आप लिव कर सकते हो, आपको कोई ऐसा खासा इशू नहीं आएगा। मेरा सजेशन ये है कि आपको गाड़ी की एक बार टेस्ट ड्राइव जरूर लेनी चाहिए। गाइज, जब मैं गाड़ी ले रहा था ना, तब सारे क्वेश्चन आंसर होने के बाद एक लास्ट क्वेश्चन मेरे दिमाग में घूम रहा था, क्या मुझे बजाज में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या मुझे ये गाड़ी लेनी चाहिए? मैंने इससे पहले कभी कोई बजाज की गाड़ी नहीं ली थी। आज मैं पर्सनली एक साल का ओनरशिप रिव्यू और अप्रॉक्सीमेटली 13,500 किलोमीटर इस गाड़ी को चलाने के बाद आज मैं आपको ये आंसर दे रहा हूँ। मैं रिकमेंड करूँगा आपको, आप जाओ शोरूम और टेस्ट ड्राइव लो। हर राइडर की राइडिंग नीड्स अलग अलग होती हैं। हाईवे टूरिंग के लिए ये गाड़ी बहुत ही बेहतरीन है और आपको अलग अलग वेंडर्स से इसके लिए वो सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे जो एक हाईवे टूरिंग मशीन में होने चाहिए। सैडल स्टेज, टॉप रैक, टॉप बॉक्स, क्या नहीं है इस गाड़ी के लिए, आफ्टर मार्केट सब अवेलेबल है, जिसकी वजह से आप इसे एक बहुत ही बेहतरीन हाईवे टूरर बना सकते हैं। लेकिन अगर आपकी यूसेज सिटी राइड की है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप डोमिनार में इन्वेस्ट ना करें, आपको सिटी राइड के लिए और भी बहुत अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप एक बजट में हैं कि आपको 2-2.5 लाख रुपए खर्च करने हैं गाड़ी पे, और एक आप चाह रहे हैं कि मैं इट इज़ बिल्ट फॉर गो एवरीवेयर, आप कहीं भी जाओ, आपको लॉन्ग टूर्स करने का शौक है, तो गाइस मैं रिकमेंड करूँगा डोमिनार 400 को। ये अपने सेगमेंट में सबसे वैल्यू फॉर मनी मशीन है, आपको आफ्टर सेल सर्विस में कोई दिक्कत नहीं आनी है, आपको लॉन्ग टर्म ड्राइविंग में इसमें कोई इशू नहीं आनी है, कोई भी इसका पार्ट ऐसा नहीं है जो आपको बाय द टाइम चेंज करना है, सर्विस इंटरवल्स इसके बहुत अच्छे हैं, बजाज का सर्विस स्टेशन हर जगह पे अवेलेबल हैं। सो मैं एज अ ओनर ऑफ डोमिनार आपको ये ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि अगर आप टूरिंग के लिए कोई बाइक देखना चाह रहे हैं सो एक बार आप डोमिनार को अपनी लिस्ट में ज़रूर रखें, एक बार इसका टेस्ट ड्राइव जरूर लें। सो दिस इज़ विपिन साइनिंग ऑफ, ये था मेरा रिव्यू अबाउट माई डोमिनार 400। होप यू गाइज लाइक डेट, आपको थोड़ी भी हेल्प मिली हो इससे तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, और बहुत ही जल्दी मैं इस बाइक के साथ एक बहुत लंबी राइड मारने वाला हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी प्रेस कर लो ताकि आपको हर राइड के नोटिफिकेशन मिलें, एंड आई होप कि ये राइड बहुत अच्छी और बहुत लंबी राइड होने वाली है, आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू माय चैनल, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन ऑलवेज वेयर अ हेलमेट, फॉलो ट्रैफिक रूल, बाय बाय एंड चाओ।